मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये एक डेविल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है एक डेविल। तो यहाँ मैं एक डेविल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है और मैंने अंडा लिया है जिसे मैंने दो पीसेस में काट लिया है, दो हिस्से में काट लिया है। तो मैंने जो आलू लिया है यहाँ पे मैं इसे नमक डाल के मैंने इसे उबाला है और अच्छे से मैश कर लिया है और ये ठंडा हो गया है अभी। और मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट लिया है, सरसों का तेल लिया है, नमक लिया है और यहाँ पे कॉर्न फ्लेक्स लिया है मैंने और ऐसे कोट करने के लिए एक डेविल को। और यहाँ पे मैंने सेवई लिया है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्च लिया है। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं एक डेविल के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया है, उसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई जो प्याज है वो मैं ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया है, इसे मैं अच्छे से चला लूँगी और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो मेरा यहाँ पे प्याज लगभग फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अभी अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। एक चम्मच के करीब मैं यहाँ पे पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया है पेस्ट, अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है और आलू भी ऐड कर दिया है, और मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं अच्छे से इसे भून लूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप मैगी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखा है, मैंने ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है। तो ये मेरा मसाला तैयार है एक डेविल के लिए, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करने के लिए रखूँगी। तो मैं यहाँ पे सारे मसाले जितना मैंने बनाया है सब निकाल लूँगी प्लेट में। तो अब मैं इसे आलू में ऐसे करके लूँगी और कवर कर लूँगी। जितने सारे अंडे के पीसेस हैं मैं ऐसे करके इसे बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके आलू का मसाला लूँगी और अंडे में कवर करते जाऊँगी। तो ऐसे करके मैं सारे बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा मसाला लेना है और अंडे में कवर करते जाना है। तो मैं इसी तरह से बना लूँगी सारे जितने सारे मेरे पास अंडे के पीसेस हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है सारा, और वो जो छोटे बॉल्स मैंने बनाए हैं वो चीज़ बॉल्स हैं। मेरे पास आलू का मसाला ज़्यादा बच गया था तो मैंने उससे चीज़ बॉल्स बनाया है। तो ये देखिए मैंने सब एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा मटर का बेसन ऐड कर रही हूँ, दो चम्मच के करीब है ले रही हूँ। आप चाहे तो चने बेसन का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मटर बेसन का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल तैयार करूँगी, और मैं इसमें नमक और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करूँगी और इसे घोल बना लूँगी। ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा इसे ज़्यादा थिक रखना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। तो इसमें एक एक करके ऐसे करके कोट करते जाना है बैटर में, और इसमें सेवई से कोटिंग करना है। आप चाहे तो ब्रेड क्रम में भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास जो सामान अवेलेबल थी, जैसे मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स था, सेवई था, तो मैंने सोचा मैं उससे बना के देखती हूँ।
तो मैंने पहले भी बनाया है, ये काफ़ी क्रिस्पी लगता है, ब्रेड क्रम जितना ही क्रिस्पी बनता है और खाने में अच्छा लगता है। बाहर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैं दोनों चीज़ों से बना के आपको दिखा रही हूँ, सेवई से भी और कॉर्नफ्लेक्स से भी। तो मैंने यहाँ पे चीज़ बॉल्स को भी ऐसे ही कर लेना है। तो मैं चीज़ बॉल्स जब बना रही थी तो मैं अंदर इसमें चीज़ अंदर कैसे डाली थी वो मैं नहीं दिखा पाई। तो देखिए मेरे चीज़ बॉल्स बनकर, चीज़ बॉल भी मैंने बना लिए हैं सारे। तो मैं एक एक करके सारे बना लूँगी, आप भी ऐसे करके ट्राई करें बना के कॉर्नफ्लेक्स और सेवई के साथ, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं सब इसे फ्राई करूँगी सबको। तो मैं सबसे पहले एक डेविल को फ्राई करूँगी, दो दो करके मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो एक ही बार में ज़्यादा तेल में फ्राई कर सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा थोड़े से तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, मैं दो दो करके फ्राई कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें तभी ये क्रिस्पी बनेगी। देखिए कैसे इसे गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं दो दो करके तल रही हूँ। देखिए अब मैं अभी साथ ही साथ मैं चीज़ बॉल्स को भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे चीज़ बॉल्स थोड़े ज़्यादा ज़्यादा लेकर फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पांच पांच चीज़ बॉल्स फ्राई किया है और थोड़े से बचे हैं उसे भी फ्राई कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बॉल्स आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से मेरा चीज़ कैसा मेल्ट हुआ है। तो देखिए ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए मेरा तैयार है एग डेविल बनकर और चीज़ बॉल्स बनकर। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आप लोगों को मेरी ये एग डेविल की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।